जनपद संभल के चंदौसी में शहीदों को दिल से सलाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज देश भर में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जनपद संभल के चंदौसी के केतिल गेट में स्थित सीआईसी में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदों को दिल से सलाम नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के काफी कलाकारों ने गीत गाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस मौके पर सीआईसी के प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार ने कहा कि जिस तरह से युवाओं में देशभक्ति का जज्बा कम होता जा रहा है, युवाओं में देशभक्ति को बढ़ावा देने के मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाँ, आज हमारे कॉलेज में गणतंत्र दिवस के अवसर पर, 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शहीदों के नाम दिल से सलाम ये कार्यक्रम किया गया, और इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि नई पीढ़ी जिनके अंदर देशभक्ति की भावना का जज्बा थोड़ा कम होता जा रहा है, ताकि वो दोबारा से उसी स्थिति में आ जाए जिस तरह से हमारे शहीद लोग हुए हैं और उन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, उसी तरह से नई पीढ़ी भी सोचे देश के बारे में, इसलिए ये कार्यक्रम रखा गया। अच्छा, युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए यही संदेश है कि सबसे पहले डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था कि हम शुरू में और अंत में केवल भारतीय हैं, तो मेरा भी सभी से यही कहना है कि हम सबको सबसे पहले हम भारतीय हैं, किसी धर्म जाति के बाद में हैं, और निश्चित रूप से इंसानियत का जो परचम है वो हम सबको मिलकर के लहराना है पूरे देश में, ताकि हम पूरी दुनिया में अपने भारत का नाम दर्ज करा सकें।